तो आइए दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखते हैं तो गेमिटोफाइट को मैंने इधर लिखा और स्पोरोफाइट को मैंने यहां के हर सेल में है लेवल पाया जाता है दैट इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम या एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है तो जिसमें रूट स्टेम और लीफ पाया जाएगा ये तो है बात टेरिडोफाइटिस की लेकिन अगर हम बात करें कि से ब्रायोफाइटा में क्या होगा तो डीप वाले केस में माइक्रोफिलस वाले कंडीशन में स्ट्रोबाइलस बनेगा उस स्ट्रोबाइलस के अंदर किया बन गए स्पोर और शुरू हो गई गेमिटोफाइटिक जनरेशन दिस इज हाउ द स्पोरोफाइटिक एंड गेमिटोफाइटिक जनरेशन ऑल्टर ने पैटर्न है तो चाहे हेप्लोडिप्लॉन्टिक कहो या डिप्लोहैप्लोन्टिक कहो

एन भी कह सकते हैं दिस इज डिप्लॉइड फेस दिस इज टू एन ठीक है अब इसमें फर्स्ट सेल क्या है फर्स्ट सेल इज द स्पोर है जनरेशन सीधी बात तो देखिए स्पोर स्पोर ने बनाया प्रोथेलस टेरिडोफाइटिस में हम प्रोथेलस देखते हैं ब्रायोफाइटस में लिवर वॉल्ट में थैलस और मॉसेज में प्रोटोनीमा ध्यान आ रहा है लिवर वर्ल्ड में थैलस और मोसेज में प्रोटोनिमा ठीक है ये जो डिस्टिंगशन है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों का लाइफ साइकिल पैटर्न एक जैसा ही माना जाता है दोनों में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज बराबर बराबर पाए जाते हैं ठीक है सो स्पोर प्रोथेलस प्रोथेलस से बनेंगे सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम आरके और फाइनली गेमीट नाउ दिस गेमीट इज द लास्ट सेल ऑफ द गेमिटोफाइटिक जनरेशन गेमिटोफाइटिक जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है अब यहां एक बात देखने वाली ये जो प्रोथेलस है ये प्रोथेलस वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है फ्रेगमेंटेशन कर सकता है है ना आपने ब्रायोफाइटा में भी पढ़ा हुआ है कि प्रोटोनीमा में भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है थैलस में भी हो सकता है यहां भी प्रोथेलस में फ्रेगमेंटेशन का मेकेनिज्म हो सकता है यानी कि हैप्लॉइड और गेमिटोफाइटिक जनरेशन भी इलेबोरेट कंडीशन में हो सकती है और स्प्रेड कर सकती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा तो कहने का मतलब है कि ये जनरेशन तो है इसके बाद जैसे ही यहां गेमीट बने आप देखिए गेमीट का होगा फ्यूजन और फ्यूजन होते ही बन गया। जनरेशन और कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा जिसमें रूट स्टेम और लीफ पाया जाएगा यह तो है बात टेरिडोफाइटिस की लेकिन अगर हम बात करें कि जाइगॉट से ब्रायोफाइटा में क्या होगा तो ब्रायोफाइटा में आपको पता है तीन पार्ट बनते हैं फुट सीटा कैप्सूल क्योंकि उसका स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट के ऊपर फॉर एट लीस्ट वाटर हम देखते हैं मॉसेस में कुछ फोटोसिंथेसिस हो सकती है उसके स्पोरोफाइट में जो ऊपर फुट सीटा कैप्सूल वाला लेकिन लिवरवर्ट में नहीं तो इट इज पैरासाइटिक ठीक है ना यहां पर टेरिडोफाइट्स में प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं ये इमर्ज हो जाते हैं स्मॉल डिफरेंस बिटवीन जनरेशन दोनों में ही पाई जाती है में में, और में। लेकिन अगर थैलोफाइटा को ध्यान करो, तो वाज़ एंड इट वाज आल्सो द लास्ट सेल ऑफ द जनरेशन इन एलगे बिकॉज दिसगॉट यूज टू अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस फोर स्पोर्स या फोर सेल्स हैप्लोइड सेल्स और फिर से गेमिटोफाइटिक जनरेशन शुरू कर देता था यहां पर जहां या लाइफ साइकिल वहां देखेंगे विल ग्रो प्लांट रूट स्टेम और फिर लीफ के अंडर सरफेस पर स्पोरेंजिया बनाएगा मैक्रोफिलस के केस में बड़ी पत्तियों में स्मॉल लीफ वाले केस में माइक्रोफिलस वाले कंडीशन में स्ट्रोबाइलस बनेगा उस स्ट्रोबाइलस के अंदर बनेंगे स्पोर्स क्या बनेंगे स्पोर लेकिन स्पोर बनने से पहले जो लास्ट सेल इनसाइड द स्ट्रोबाइलस मदर सेल एंड दिस मदर सेल और एसएमसी इज द लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन जैसे ही स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया बन गए स्पोर और शुरू हो गई गिटोफाइटिक जनरेशन दिस इज हाउ द स्पोरोटिक एंड गेमिटोफाइटिक जनरेशन ऑल्टरनेट्स एंड दिस मैकेज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट और हमने यहां पर देखा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैपलॉन्टिक लाइफ साइकिल दोनों एक जैसे ही होते हैं डिप्लॉन्टिक कहते हैं ब्रायोफाइटिस में क्योंकि उसमें गेमिटोफाइटिक फेज ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है और यहां पर इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ स्पोरोफाइटिक फेस ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है लेकिन एक बात छोटी सी और गौर करने वाली है क्योंकि ये एक साइक्लिक पैटर्न है तो चाहे हेप्लोडिप्लॉन्टिक कहो या डिप्लोहैपलॉन्टिक कहो बात तो एक ही है ये जस्ट हमारे समझने के लिए है कि, कि किसी में प्लॉइड फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा इलेबोरेट है तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक कह है दिया और डिप्लॉइड फेज ज्यादा इलेबोरेट है तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक कह है दिया अदरवाइज लाइफ साइकिल पैटर्न में चूंकि इट्स अज इट इज एप्सोल्यूटली वन एन द सेम थिंग थैंक यू